आजमगढ़ के मतदाताओं से बात करके उनका मिजाज समझा है, जाना है शैलेश ने। देखिए आप, हम इस समय आजमगढ़ के एक आदर्श पोलिंग बूथ पर मौजूद है और यहाँ का आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे पोलिंग बूथ को सजाया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल हरबंशपुर इस पोलिंग बूथ का नाम है। आप देख सकते हैं सुबह से ही लोग जो है वो कतार में लगे, और अगर इस पोलिंग बूथ पर बात की जाए सुबह के मतदान की तो काफ़ी उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे जो अपना वोट डालकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है मैम? किरण सिंह। वोट डाल दिया अपना? क्या मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख के वोट डाला? किसी पार्टी किसी नेता का नाम नहीं? नहीं, नाम हम नहीं लेंगे। मेन यही है कि एक तो हमारे देश में अराजकता खत्म हो, दूसरे विकास का काम हो, ये हमारे मुद्दे हैं। नौजवानों को, बहनों बेटियों सबको सुरक्षा मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, मेन मुद्दे तो यही हैं हमारे देश के अभी। आपका नाम? आनंदिता सिंह। जब विधानसभा चुनाव होता है तो क्षेत्रीय मुद्दों की बात ज्यादा होती है, आप क्या क्षेत्र की बात करें जहाँ के आप वोटर हैं, तो यहाँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने ध्यान में रखा वोट करते समय? सर, सबसे पहले तो मैंने ध्यान में रखा कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, क्योंकि सबसे बड़ा है, यदि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता है, और यही ध्यान में रख करके मैंने वोट दिया। और दूसरा चीज़ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस पर और ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली बेटियों के लिए। जी, आपका नाम? अलका सिंह। आप बताएं मैम, क्या मुद्दे थे आपके जिनको ध्यान में रख के वोट? पहले तो महिलाओं की सुरक्षा और विकास हो हमारे क्षेत्र का, यही ध्यान में रखकर हमने वोट किया। किस तरह का विकास अपने क्षेत्र के लिए? हर तरह का विकास हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और नौजवानों को रोजगार मिले, ये सब ध्यान में रख के वोट किया है। तो आप देख सकते हैं इन लोगों से बात की, महिला सुरक्षा से लेकर बात अगर करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सारे इनके लिए अहम मुद्दे हैं। क्षेत्र के विकास की, डेवलपमेंट की बात करें वो अहम मुद्दा है, और लगातार यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं उधर भी कतार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जहाँ पहले लगे थे वहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगातार जो। आजमगढ़ में आपने देखा महिला मतदाता कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा और विकास मुद्दा है उनके लिए, शिक्षा की बात भी उन्होंने की।